नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर लगातार चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि हो सकता है कि सभी दलों का सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला हो वो अपसेट हो गया होगा। लेकिन लगातार जो पार्टियां के अंदर से खटपट निकल कर सामने आती है, इसमें साफ हो रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर अभी फाइनल नहीं हुआ है। वहीं अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के अंदर कल ही खबर चली कि कांग्रेस ने सीट बंटवारे को लेकर कुछ बातें कही थी, अब जिसको लेकर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में सत्ता प्राप्ति का गठबंधन है, महागठबंधन को जनता के हितों से मतलब नहीं है। आपने उपचुनाव में भी देखा था किस प्रकार से महागठबंधन के लोग आपस में लड़े और अलग अलग चुनाव लड़े थे। और वहीं अगर एनडीए की बात करें तो उन्होंने एनडीए का भी जिक्र किया है और कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी क्या बोल रहे हैं इस पर ध्यान नहीं देना है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बातें कहेंगे उन्हीं पर हम लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पे वीडियो देखिए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। कि सर्वोच्च न्यायालय, ऐसे सर्वोच्च न्यायपालिका और ऐसी संस्था ने भी इसे गंभीरता से लिया है और सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश हैं उनके द्वारा पूरे मामले की जांच करने की पहल की है। ये अपने आप इस बात को दर्शाता है कि लोकतंत्र के जितने भी स्तंभ हैं सभी आज चिंतित हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से देश की सुरक्षा जुड़ी रहती है। और इसलिए हम सब उस पूरे घटना की निंदा करते हैं कि इस तरह के सुरक्षा कवच में कोई राजनीति, गंदी राजनीति की बू नहीं आनी चाहिए। और इसलिए हम सब आज प्रत्येक जिले स्तर पर पूरे भारत वर्ष में हस्ताक्षर अभियान चलाकर उस पूरे प्रकरण के खिलाफ में हम अपने आक्रोश को जाहिर कर रहे हैं और इसमें न्यायिक कार्रवाई की भी मांग करते हैं। सर, बिहार चुनाव को लेकर सर महागठबंधन में सर फूट दिख रही है, राजद हो या कांग्रेस हो, दोनों एक दूसरे को अपनी हैसियत में रहने की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, तो आप तो देखें कि पिछले चुनाव में भी जो उपचुनाव हुआ था उसमें दोनों दलों ने किस प्रकार से आपस में लड़ाई की थी। और स्वाभाविक है कि उनका महागठबंधन सिर्फ सत्ता प्राप्ति के लिए वो महागठबंधन है, कोई बिहार को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए वो महागठबंधन नहीं है। सत्ता में किस तरह से हम दोबारा वापस आएं, ये इसकी जो एक भूख है, सत्ता की जो एक भूख है वो भूख नज़र आती है। और स्वाभाविक है कि हम सबों ने जिस प्रकार से बिहार को 2005 के बाद सजाने संवारने और एक विकसित राज्य की ओर ले जाने का काम किया है, तो ये प्रतिपक्ष में एक स्वाभाविक बौखलाहट है जो समय समय पर इस स्वरूप में प्रकट होती रहती है। क्या सीट बंटवारे पर चर्चा हो गई है क्या? नहीं, हम लोग उसकी प्रक्रिया चल रही है और हम लोग संयुक्त रूप से इसकी घोषणा करेंगे, ये प्रक्रियाधीन है। और एनडीए में किसी प्रकार का कोई इस तरह की बातें तो होती नहीं है। पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है, नहीं देखिए, हम लोग जो हमारे जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे जो एनडीए के और सभी नेता हैं उनके साथ लगातार हमारी बात रही है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी बात कही है, वो उस बात से इस पूरे जो चयन की प्रक्रिया है या निर्णय लेने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से वो कहीं से वो ये नहीं हो रहा है। यूपी चुनाव में सर जेडीयू साथ रहेगी नहीं, ये बातों नहीं, देखिए तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा इसको। हम लोग बिहार के पैमाने पर इन सारी चीज़ों पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। सर, एक सवाल है कि मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार भी अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, ऐसे में आप लोग लगातार सर प्रोग्राम कर रहे हैं? नहीं देखिए, जो इस अभी जो ये संक्रमण चल रहा है ना, इसमें सावधानी की तो ज़रूरत है, स्वाभाविक है। जो एक दूरी होनी चाहिए, जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करके दैनंदिन जीवन तो चल ही रहा है, बस सावधानी रखनी की आवश्यकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।